हम लोग करने वाले हैं शिफ्टिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। और विक्की की आवाज आ रही होगी क्योंकि विक्की का कॉल चल रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल। एक सेकेंड। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, आज मैं सुबह सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करने का कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बट आज मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब 5 बज रहा है। सो यू नो, प्रोक्रेस्टिनेशन का बेस्ट एग्जांपल है। मतलब मैं डिले करती गई उसको। आज मुंबई में वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और अभी जस्ट मैंने फेस वॉश किया है क्योंकि बारिश हो जाती है ना तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द सेरम। तो ये 3 सेरम्स है मेरे पास और मामाअर्थ वाला भी मैंने यूज़ किया है और वो मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं एक वीडियो में ट्राई करूँगी क्योंकि कुछ ये सब तो स्पॉन्सर्ड वीडियोस वाले रहते हैं, तो स्पॉन्सरशिप हटा करके जो एक्चुअल रिव्यूज़ हैं कि हाँ मुझे अब इनको लगाने के बाद कैसा इन रिजल्ट दिया है नहीं दिया है, वो सब मैं आपको एक वीडियो में शेयर करूँगी। मुझसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा अफोर्डेबल सेरम आप हमको बताइए, क्योंकि ये देखो बॉडी शॉप हो गया, फेस शॉप हो गया, और क्या हो गया, कामा का मान लो आप, और फॉरेस्ट सेरम, इन सबके सेरम्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। इनका सेरम मतलब आप ये मान के चलो कि 1000 के ऊपर तो आपको आना ही आना है। तो एक अच्छा अफोर्डेबल सेरम मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। मुझसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपको अच्छा सा सेरम बताओ जो अपने स्किन पे वर्क कर सके। ये भी मैं काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, बट मैं एक प्रॉपर एक किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि सब लगाती हूँ मैं, कभी ये लगाती हूँ कभी ये लगाती हूँ, जो मेरा मन होता है वो लगाती हूँ। बेटर है कि आपको सेरम लगाना चाहिए बिकॉज सेरम आपके डीप लेयर तक जाकर के पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट होता है, एंड जो क्रीम्स होती हैं वो आपकी फर्स्ट लेयर तक ही काम करती है। तो इसलिए सेरम ज़्यादा बेटर है मेरे कंपैरिजन में। मतलब आप क्रीम तो लगा ही सकते हो बट सेरम ज़्यादा, और मेरी ऑयली स्किन है तो मैं क्रीम से ज़्यादा सेरम्स प्रेफर करती हूँ। लिप बाम के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला बेबी लिप्स कलर मेबेलिन का। ये जो आलिया का NY लिमिटेड एडिशन कलेक्शन था ना, ये मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं हम कौन सा कलर लिप बाम यूज़ करते हो, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और मेरा जो कलर है वो है मैनहट्टन मॉव। पिगमेंट छोड़ देता है ये पिंकिश टाइप का एंड अच्छा भी लगता है, तो आप लगा सकते हैं इसको घर पे। तो अभी ये देखिए यहाँ से ये हटा दिया है जो इसका कवर था वो। तो ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि तो रेड था ये वाइट कैसे हो गया। तो जब हमने ये बनवाया था ना तो हमने एक और कवर इसका बनवाया था। ये कवर अपन ने अलग से कितने का बनवाया था, तो हमने ये कवर तभी उन्हीं से बनवाया था 5000 रुपीज़ में वाइट कलर का। तो कभी मैं ये बिछाती हूँ 6-6 मंथ्स का वो रहता है, कभी 6-7 मंथ्स की बिछाती हूँ, फिर 6-7 मंथ्स रेड वाला बिछाती हूँ। तो इसको ना एक्चुअली चेंज करना इज लाइक अपने में एक हेडेक है। तो वो विक्की का जब मूड होता है उससे रिक्वेस्ट करना पड़ता है 10-15 दिन, तब वो जाकर के 16 डिजिट चेंज करता है इसका, वो भी जब वो गंदा हो जाता है जेन्युइनली। बट हाँ, इसके ऊपर मैंने वो जो कवर डाल करके रखा था जो थ्रो टाइप का है वो डाला था, तो उसकी वजह से गंदा नहीं हुआ है। वो थ्रो गंदा होता है तो उस थ्रो को मैं हर एक मंथ में वॉश करती हूँ, तो वो अभी वॉश हो रहा है। एंड काफ़ी सारे लोगों ने उसका रिव्यू भी पूछा था कि उसका रिव्यू कैसा है, अमेजन से मैंने परचेज़ किया था और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करा था। तो बेसिकली उसमें से थोड़ी सी श्रेडिंग तो होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मतलब 899 में मैंने उसको परचेज़ किया था और श्रेडिंग होती है, बट हाँ मैं उसको 3-4 बार ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। थोड़ी बहुत श्रेडिंग होती है बट वो एक्सेप्टेबल है, मतलब इग्नोर कर सकते हो आप उस श्रेडिंग को, और टेंशन लेने की बात नहीं है कि है ना। अभी मैंने ना ऊपर देखो मैंने क्या क्या थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया है। मेरे साथ क्या होता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर बहुत खाली खाली लग रहा है, तो मैं जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड गाइज। हाँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा घर बहुत खाली खाली हो गया है। हाँ, तो जब मुझे लगता है कि मेरा घर बहुत खाली खाली हो गया है तो मैं घर को भर देती हूँ। जब मुझे लगता है मेरा घर बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है, खिचड़ पिचड़ की, अभी जैसे बारिश आने वाली है ना, तो बारिश में बाहर बहुत किच 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 पिच पिच होता है, तो मुझे घर में एकदम क्लीन चाहिए होता है, क्लीन और थोड़ा स्पेशियस चाहिए होता है, ताकि पता नहीं मुझे क्या चाहिए होता है पर मुझे कुछ अलग चाहिए होता है। तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए होता है, बट मुझे कुछ अलग चाहिए होता है। तो अभी मुझे घर थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है, तो मैं विक्की को बोल रही हूँ ये 3 साल से तो मैं हमेशा करती आ रही, तो पागल हो गई है विक्की, वो तो पागल हो गई हो। विक्की को ऐसा लगता है, विक्की को तो जो स्टार्टिंग वाला हमारा घर था वो भी उसको बहुत पसंद था। तो विक्की को अभी मैं शिफ्ट करने वाली हूँ वहाँ पे, क्योंकि गर्मियों के लिए वो इधर पे आया था, उसको AC नहीं चाहिए होता है दिन में, और उसको AC ज़्यादा सूट भी नहीं होता, पता नहीं ऑफिस में वो जैकेट पहन के बैठता है, तो इसलिए वो यहाँ आ गया था। अभी वो वापस वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे शूट्स वगैरह यहाँ पे सफ़र करते हैं, मैं जनरली यहाँ पर बैठ के शूट करती हूँ, तो वो बेडरूम में चला जाएगा और मैं वापस से थोड़ा अपने हिसाब से इसको
थोड़ा खाली खाली करती हूँ, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ ये इन सबसे में, मैं बोर हो गई हूँ। मतलब मैं नए कुशन कवर्स नहीं खरीदूंगी, मैं नए कुशन कवर फॉर श्योर नहीं खरीदूंगी, मैं पुरानों को, मेरे पास पुराने में बहुत सारे कुशन कवर्स रखे, तो मैं कुछ चेंज करके DIY टाइप ऑफ। पोहे बनाने के लिए हमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत लगती है। हरी मिर्ची कटी हुई बारीक, प्याज बारीक कटा हुआ, नॉर्मल साइज़ में आलू कटे हुए और पोहे। आलू ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है तो डालो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत डालो, मुझे पसंद है मैं इसलिए डालता हूँ। मेरे पास एक कुशन कवर है और इसमें मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, करने का सोच रही हूँ मतलब। तो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। देखते हैं, सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं सक्सेसफुल होता है तो फिर किसी और कुशन कवर में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। मेरे पास एक कुशन कवर इस तरह का, एक्चुअली कॉटन का था और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं था। मतलब ये मैंने आई थिंक 199 रुपीज़ या 299 रुपीज़ में दो कुशन कवर खरीदे थे होम सेंटर से। तो और कॉटन है, कॉटन के ऊपर जनरली कलर्स चढ़ जाते हैं। तो ये है इसका बैक और ये मैंने इसमें पास दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने इसमें पूरा वाइट जो है उसके ऊपर थोड़ा कलर्स डार्क कर दिए हैं, देन येलो जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर फैब्रिक कलर करा है, और जो पूरा ग्रीन था उसके ऊपर मैंने ऐसे ब्लैक कलर कर दिया है। तो ये पास से पीछे से इस तरह से कुछ दिखता था एंड आगे से अब ये इस तरह से दिख रहा है। मतलब मैंने कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ जो था उसी के ऊपर मैंने कलर कर दिया है। तो ये जो है इस पर मैं कुछ देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सा डल डल सा लगता है। तो मुझे अभी लाइट कलर के कुशन कवर्स लगाने हैं अपने घर पे, मतलब डार्क कलर के कुशन कवर्स नहीं लगाने हैं ऐसा। हे गाइस, तो अब मैं आपसे डायरेक्टली मिलती हूँ कल, सो गुड नाइट। हाय गाइस, तो आज भी मैं सोच रही थी सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, बट अभी बहुत देर हो चुकी है, मैं एडिटिंग कर रही थी यहाँ पर बैठ करके। और आज हमारे घर में AC क्लीनिंग होने वाली है, क्योंकि AC का जो गैस है, क्या हटाऊं, क्योंकि AC का जो गैस है हमारा वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका था। हाँ, मतलब वो सिर्फ 20% बचा था, अगर हम उसको ऐसे यूज़ करते रहते तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और बहुत सारा XYZ। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, करवाएं कि नहीं करवाएं। मैं बहुत टाल रही थी कि विक्की को मना कर रही थी, नहीं अभी नहीं करवाते हैं, बट वो करवाना ज़रूरी था। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, अर्बन क्लैब से बुक किया, उन्होंने इतने अच्छे से बहुत तरीके से चीज़ें क्लीन करी है, और 599 की सर्विसेज हमने बुक करी थी, जो सर्विसिंग होती है वो, और 3000 रुपये की गैस डली है। तो ऐसा, बट उन्होंने काम बहुत अच्छे से किया है, क्लीनिंग बहुत अच्छे से वॉश किया है, सब कुछ किया है। और ये देखो, आपको एको आ रहा होगा, तो ये है हमारे बेडरूम का हालत। अब क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें निकाली दी है, तो हम लगे हाथ सोच रहे हैं बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर देते हैं।
हमारी जो क्लीनिंग है, मतलब डीप क्लीनिंग आप बोल सकते हो, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है. बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि हम लोग हर 2-3 महीने में डीप क्लीनिंग करते ही रहते हैं, तो इतना ज़्यादा डस्ट और डर्ट इकट्ठा नहीं होता. बस वो जो बेड आप देख रहे हो ना, उसके पीछे हमको क्लीनिंग करनी थी, तो वो हमारी हो चुकी है. और आज है सैटरडे. कल मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करा, कल मैंने ज़्यादा किया इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो. थोड़ा बहुत मैं कल मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का, और विक्की को भी थोड़ा हेल्थ वाइज उसको कफिंग टाइप लग रहा था, सर्दी सर्दी जैसा लग रहा था. तो हम लोगों ने कल रेस्ट किया प्रॉपरली, और कल हम बहुत सोए हैं, मतलब आज हम बहुत सोए हैं सुबह प्रॉपर. क्या हो रहा था, विक्की ने क्या किया है, 3 मंथ से वो कंटिन्यूस ऑफिस का काम कर रहा है, और ऑफिस का काम भी ऐसे नॉर्मल नहीं होता है, बहुत बर्डन वाला होता है. मतलब रात को वो 10-10, 10:30, 10 बजे तक काम करता है, और उसके बाद सुबह से 11 बजे से बैठ जाता है. तो वो और उसके बाद सैटरडे संडे जो मिलते हैं ना, सैटरडे संडे भी वो एक दिन रेस्ट करेगा, तो रेस्ट कैसे करता है, वो अपना पर्सनल काम करने लग जाता है. तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो उसकी ना बॉडी और घर की भी थोड़े बहुत काम में वो हेल्प करवा ही रहा है, तो उसकी बॉडी मेरे ख्याल से एग्जर्ट हो रही है या क्या हो रही है. तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला है कि अभी 2 दिन हाथ नहीं लगाना है, ना पर्सनल काम को ना ऑफिस के काम को, पहले हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स एग्जर्शन की वजह से भी आपकी बॉडी थोड़ी सी वो हो जाती है, तो बॉडी नीड्स रेस्ट. तो आज हम लोगों ने सोचा है, हम दोनों ही, मैं भी कोई एडिटिंग वगैरह का कुछ काम नहीं करूँगी. ब्लॉगिंग तो चलो ऐसे मज़ा आता है ये करने में, बट एडिटिंग वगैरह का कुछ काम नहीं करेंगे हम लोग. हम लोग आज प्रॉपरली सिर्फ खाना खाने वाले हैं, और साथ ही साथ सीरीज़ वगैरह देखेंगे, दैट्स इट. यही काम होने वाला है आज, और कुछ काम नहीं होने वाला है. और ये आप देख रहे हो, चेंज कर दिया है मैंने काफ़ी कुछ, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है. आई नो कैमरे में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कलरफुल वाला, बट मैं अभी कलर्स देख देख के बोर हो गई हूँ. आई नीड सम, थोड़ा सा न्यूट्रल चाहिए अभी मुझे, फिर न्यूट्रल देख के जब बोर हो जाऊँगी तब फिर कलर्स चाहिए रहेंगे. तो वो ऐसा चेंज चेंज होता रहता है मेरे साथ. और हम लोगों के पास ना एक विक्की का आईपैड रखा हुआ है, पुराना है ये, आई थिंक ये Generation 3 है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अभी अपडेट्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, तो अभी इसमें बहुत कुछ ना चलता नहीं है. तो व्हाट आई एम गोना डू इज, हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसको निकालने का सोच रहे हैं, इसको निकाल करके एक्सचेंज करके जनरेशन जो है 10 या 9 ले लेंगे, क्योंकि आईपैड से भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं. मैं क्या होता है ना, मैं दिन भर मोबाइल में घुसी रहती हूँ, दिन भर मोबाइल में, इन द सेंस मीन्स विक्की भी रहता है, विक्की तो रहता ही रहता है, विक्की तो स्क्रीन, विक्की का तो पूरा काम ही स्क्रीन पे. अगर वो इन पे काम नहीं कर रहा है ना, तो वो इसमें बैठ करके पढ़ाई करता है, मतलब उसकी बुक्स वगैरह पढ़ता है एंड ऑल दैट. तो इसको तो निकालना ही है हम लोगों को, और इसको निकालने के साथ साथ हम लोग एक अपग्रेडेड वाला ले लेंगे, और एक मेरा फ़ोन भी है वो भी मुझे एक्सचेंज करना है. तो अगर इन दोनों के उसमें हमारा प्राइसिंग ज़्यादा नहीं आएगा और हमारा अपग्रेड हो जाएगा, तो हम लोग वही करवाने के लिए जाने वाले. हमने एक से बात तो करी हुई है कि वो एक्सचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर क्रोमा से हम लोग ले लेंगे. क्रोमा पे भी हमने पूछा है, जहाँ पे भी एक्सचेंज हो जाएगा वहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे. बस यही है. और आज अभी हम लोग सुबह जस्ट सोकर के उठे हैं, और आज हम लोग सोच रहे हैं बॉडी क्लेंजिंग करने की. तो डीप बॉडी क्लेंजिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो हील होने का उसको टाइम मिलता है, और उसको रेस्ट दिया जाता है. तो जिस दिन आप रेस्ट देते हो अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, मतलब शुद्धिकरण ऑफ द बॉडी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम शुद्धिकरण करने का बोलते हैं. तो उस दिन आपको सॉलिड फूड नहीं खाना होता है. आप लोग कैसे खाते हो, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द डे आपको कैसे करना होता है, घी से करना होता है. तो वो मैं कर रही हूँ, और घी आपका, और घी कंपल्सरीली आपका शुद्ध घी होना चाहिए. आप नॉर्मली जो मार्केट के घी होते हैं, आई डोंट नो वो शुद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं, बट आपका शुद्ध घी होना कंपल्सरी है, मस्ट है कि आपका देसी घी होना चाहिए, तभी फायदा करेगा. एंड लिटरली मैंने पिछले मंथ, मतलब 2 मंथ के मैंने किया था. मैं 7 दिन घी खाती थी, और सिर्फ महीने के 7 डेज मैंने घी खाए हैं. आप बिलीव नहीं करोगे कि उससे मुझे कितने बेनिफिट्स हुए. मैं करूंगी एक वीडियो में, आप लोगों के साथ में शो करूंगी ये चीज़. तो आज विक्की और हम दोनों 1-1 स्पून भर के घी खाएंगे, और उसके ऊपर गर्म पानी पियेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नारियल पानी लेंगे 1 घंटे बाद, और नारियल पानी के बाद फिर हम लोग फ्रूट्स खाने वाले हैं. आयुर्वेदा का बेसिक फंडा होता है कि वो पहले आपका पेट ठीक करते हैं, आपका जो कोर एरिया होता है ना उसको ठीक करते हैं, आपको वो प्रॉपर डाइजेस्टन आपका ठीक करते हैं, आपका पेट क्लेंज करते हैं, मतलब. तो जो भी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपका पहले जो मेन सिस्टम है आपका, जिससे आपकी बॉडी ऑपरेट होती है, वो सही होना जरूरी है. अगर वो सही हो गया तो बाकी की चीज़ें फिर वो 1-2 महीने में ठीक हो जाती है.
तो इसलिए आपका जो मेन कोर एरिया है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ये सब बहुत सही होना जरूरी है. उसको सही रखने के लिए मंथ में एक आध दिन ऐसा क्लेंजिंग करनी चाहिए बॉडी की. ऑल्दो हम लोगों ने 2 महीने से लिटरली नहीं करी, हम लोगों ने बहुत ऑयल और ये सारी चीजें खाई है, तो ये करना चाहिए एक्चुअली. मैं लॉकडाउन में मैं खुद भी बहुत लेजी और बहुत भूल गई थी अपने शेड्यूल को, मेरा लिटरली मेरे शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे हुए हैं. बट अभी हम लोग ये करेंगे. मैं तो ये प्रॉपर पूरे 7 डेज लूंगी, बट अभी विक्की को एक दिन लेने को बोलती हूँ उसे. मैंने खरीदी की, आपने खरीदी है? सर सर बताओ, किसके अकाउंट से किसने ऑर्डर करी है? आपने ऑर्डर करी है ना, क्योंकि आपके ऑर्डर को मैंने कैंसिल कर दिया था. पर आई किसके ऑर्डर से है? ओह माय गॉश, टेबल इससे छोटी है बाबा. ओह माय गॉश, सच अ बिग ट्रे. हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ और हम लोगों ने शार्पनर के लिए ले लिया है. क्या लिया है वो अभी आकर के बताऊंगी. एक्चुअली सुबह हम लोगों ने बताया था कि हमने सिर्फ घी खाया था, उसके बाद हम लोगों ने मल्टी विटामिन्स और विटामिन सी की एक एक टैबलेट ली थी. वो मैं अभी फ्यूचर में आपको बताती हूँ भी वीडियो में कि हम लोग कौन सी मल्टी विटामिन्स लेते हैं. तो हम लोग डेली नहीं लेते, हफ्ते में 2 या 3 बार लेते हैं, डेली नहीं लेते हैं. और आज का जो हमारा लंच है वो बहुत हल्का फुल्का होने वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ. एक तो ये है नारियल पानी है और ये एप्पल है. तो 3 एप्पल लिए हैं, 3 एप्पल में हम दोनों खाएंगे और एक एक नारियल पानी, एक पूरा नारियल पानी विक्की पिएगा और एक मैं पीऊंगी. मतलब पूरी तरह से डिटॉक्स कर रहे हैं हम लोग आज हमारी बॉडी को. लगता है शाम को तो हम दलिया खाएंगे और मखाने वगैरह ऐसी चीज़ें खाने वाले जो हेल्दी होती है. और जो हम लोग लेकर के आए हैं वो है ये. दिस इज द प्रोडक्ट, 7th जनरेशन वाला है, सेलुलर नहीं है, मतलब इसमें सिम वगैरह नहीं डलेगी. एंड ऑप्शन ये था कि सिर्फ ऑप्शन पूरे क्रोमा में यही अवेलेबल था, इसलिए भी ये लेकर के आए. मतलब हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि हम कोई और देख लें कि भैया आप हमको बता. ये भी लास्ट पीस था और एक बंदा था जो जिसने ऑलरेडी 7 iPad खरीद रखे थे और वो ये भी लेना चाहता था. रीजन बिहाइंड दैट इज उसका कोई लोकल स्टोर है. तो आप समझ रहे हो स्टॉक कैसे गायब हुआ है. जो लोकल स्टोर वाले हैं ना, ये लोग परचेस कर रहे हैं विजय सेल्स, क्रोमा, इस तरह के जो जो भी स्टोर हैं वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है iPad. वो बोल रहे हैं पिछले 4-5 दिनों के अंदर अंदर पूरे iPad साफ हो चुके हैं, हर मॉडल iPad का साफ हो चुका है. 7th जनरेशन का हमको 128 GB लेना, मतलब कुछ था ही नहीं. उन्होंने हमको बोला सर ये लास्ट पीस बचा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं. और हमको वो निकालना ही था. तो हमारा इन टोटल हमने सिर्फ इसके लिए 4,000 rupees विद कवर एक्स्ट्रा दिए हैं. तो हमको बहुत अच्छी डील मिल गई थी, तो इसलिए हमने हाथों हाथ उसको निकाल दिया है. तो मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स की लिटरली बहुत मारामारी है मार्केट में. और क्योंकि अभी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद है, ये इसका कवर है, मैंने पूरा लगा भी दिया है, हम लोगों ने सब कुछ इसमें डाल दिया है जो भी डालना था. तो दिस इज द iPad, मैं एक मिनट आपको निकाल के बताती हूँ. तो ये है iPad, रोज गोल्ड कलर का है ये. एंड 32 GB, एक्चुअली हमको 128 GB लेना था, बट 32 मिल गया वही बहुत है. और थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में था ये, इसलिए है ना, बाकी सब बहुत महंगे महंगे थे. तो ऐसा, तो यही हम लोगों ने लिया है. एंड वही मैं आपको बता रही थी कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी है मारामारी मार्केट में, मतलब चीज़ें स्पेशली एप्पल की, एप्पल की है. और मैंने एक और चीज़ सुना है अभी थोड़ी देर पहले, मैं पढ़ रही थी कि चाइना में एप्पल बैन का वो चल रहा है, मतलब चाइना वाले एप्पल बैन कर रहे हैं, हम लोग चाइना को बैन कर रहे हैं. पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्या निकलने वाला है इन सब चीज़ों का. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. आज मैंने खादी का जो हिबिस्कस वाला शैम्पू था ना वो यूज़ किया है, तो लिटरली फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही है मेरे बालों में से. अभी देखती हूँ ड्राई करने के बाद कि कैसा रिजल्ट होगा. मैंने ऑल्दो कंडीशनर लगाया है अपने बालों में, बट मैंने वो वाला क्लेंजर यूज़ किया है, तो बाल तो मेरे काफी अच्छे लग रहे हैं, जैसे नॉर्मली लगते हैं वैसे ही लग रहे हैं. और आज हम लोग करने वाले हैं शिफ्टिंग. तो अंदर से बाहर लाने में मुझे लिटरली भयानक कन्वेंस करना पड़ा था, तब जाकर के विक्की बाहर आया था. और अब मुझे विक्की को बाहर से अंदर भेजने में पिछले 1-2 हफ्तों से मैं विक्की को कन्वेंस कर रही हूँ, कन्वेंसिंग कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ, तब जाकर के विक्की एक तो अंदर से बाहर भेजा, फिर वापस अंदर भेज रही है. इतनी दिक्कत, पता है ये इजीली पकड़ के आप इसको अंदर लेके जा सकते हो और बाहर लेके आ सकते हो. ये इतनी नौटंकी, मुझे लोग मेरे को बोलते हैं ना मैं नौटंकी करती हूँ, ये इतनी नौटंकी करता है कि जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा भारी सामान. मैं बोलती हूँ चलो मैं उठा के ले जाती हूँ, सिर्फ बैठ रही है ना. हाँ ठीक है, मैं तो ले जाऊंगी. ये देखो गाइस कितने इजीली शिफ्ट हो रहा है. Guys, आज है संडे, कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया था. रीजन ये गुस्सा थी, क्योंकि जो हमारा कल मैं गुस्सा कर रही थी,
कल मैं नौटंकी मार रही थी, मूड खराब हो गया था कल मेरा मिक्की की वजह से हुआ था। ये मैडम नौटंकी इसलिए कर रही थी ताकि मैं मान जाऊं। आदमी मैंने पूरा ऐसे शिफ्टिंग करवा दिया था, ये वापस लेकर के यहीं पर बैठ गया है। पहले मिक्की अंदर ही बैठता था, अब उसको यहाँ इतना मजा आने लग गया है कि अब वो यहाँ से हिलने को तैयार नहीं हो रहा है। तो इस चीज से हमारे आर्गुमेंट्स हो रहे थे। मैं कह रही थी कि जाओ और विक्की कह रहा था नहीं मैं यही बैठूंगा। हे गाइस, सो जस्ट हर्ड द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, अभी मुझे जस्ट पता चला एक घंटा पहले, एंड बहुत शॉकिंग था एंड बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज थी ये सुनकर के जो पता चला अभी, मतलब एकदम शॉक वाली चीज़ थी। कोई भी आई थिंक भले मैं उसको पर्सनली नहीं जानती होंगी और जो भी है, बट वो एकदम शॉकिंग था कि इतना यंग और इतना अच्छा टैलेंटेड एक्टर है वो। बहुत शॉकिंग था, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस वर्ड्स में ये चीज़ एक्सप्रेस करूँ। मतलब डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में थी आई थिंक 6 मंथ्स, जैसा मैंने न्यूज़ में देखा ना। उसने सहा होगा अंदर ही अंदर कि उसने ये चीज़ कर ली है, तो इट वॉज रियली शॉकिंग। डिप्रेशन इज़ फॉर रियल, डोंट मेक इट टैबू, इसको टैबू मत बनाइए, बहुत ज़्यादा बात करिए इसके बारे में। तो बस यही है, और अभी मैं जस्ट अपने फ्रेंड्स लोगों से मैंने एक एक डेढ़ घंटा बातें करी है। अभी मुझे एक शूट करना है, तो उस शूट के लिए मुझे रेडी होना है, इसलिए मैं ये वाला टॉप पहनी हुई हूँ। बिकॉज ये टॉप ना थोड़ा सा विस्कसी मटेरियल का है, तो घर पर नहीं पहन सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये है मेरा मेकअप, मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लश लगा लिया है आज, तो मैं एकदम अभी रेडी हुई हूँ। और अभी लाइट चली गई है, तो अब मैं बैठ करके पॉइंटर्स बनाऊंगी कि मुझे क्या क्या बोलना है। मुझे लिखना होता है कि भाई हाँ पहले मुझे इंट्रोडक्शन देना है ऐसे बोलना, अदरवाइज मैं बिना सर पैर के बोलना चालू करती हूँ और पता नहीं क्या 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 बोलती जाती हूँ। इट्स डन विद द शूट एंड इट्स रियली रियली हॉट आउटसाइड, मतलब लाइट चली गई थी मैंने बताया ना, तो लाइट चली गई तभी मैंने पूरा शूट कर लिया। एंड थैंक गॉड मैंने शूट कर लिया, क्योंकि लाइट बहुत लेट आई है, मैं इतना देर वेट करती तो कबाड़ा हो जाता, इसलिए मैंने फटाफट शूट कर गुरा के ख़त्म कर दिया है। मैं चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और आज है ट्यूसडे। तो बेसिकली इतना लंबा व्लॉग मैंने पहली बार चलाया है, ये व्लॉग मैंने लिटरली फ्राइडे या थर्सडे से स्टार्ट किया था, और ये मैं मुझे मन ही नहीं कर रहा है, मतलब ये व्लॉग मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इस व्लॉग में क्या व्लॉग करूँ। आई डोंट नो, मेरा मूड पता नहीं कौन से पेस पे है। तो अभी थोड़ी देर में ये वाला व्लॉग ख़त्म करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो दिखाओ ये जो हम लोग ये लेकर के आए थे ना, वेजिटेबल चॉपर, ये टूट चुका है विक्की के थ्रू, मतलब इसको ज़्यादा तेज खींच दिया होगा तो कि अंदर जा ही नहीं रहा है। तो ये इन शॉर्ट एक मंथ के अंदर अंदर हमारा निपट चुका है। आई एम श्योर काफ़ी सारे, हाँ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने अभी एक अलग टाइप मैंने एक और चॉपर जो है वो अमेजन से ऑर्डर तो कर दिया है, लेट सी वो कब आता है। क्योंकि मेरा जो फूड प्रोसेसर है उसमें चॉपिंग होती है, मतलब ये जो है इसमें चॉपर का भी ब्लेड है, बट द थिंग इज़ कि इसमें आपको जैसे अगर मैंने कम से कम 8 अनियंस रखे हैं तब जा करके वो चॉप होगा, अदरवाइज वो चॉप ही नहीं होगा, बहुत टाइम लगाता है। तो डेली डे टू डे बेसिस के लिए एक छोटा सा हैंडी से चॉपर होना बेटर होता है, मतलब मेरे को तो वो काफ़ी सही लगा था, उससे मेरे काफ़ी काम ईजी हो जाते थे। तो मैंने एक अमेजन से ऑर्डर किया है, जब वो आ जाएगा तब मैं उसका डेफिनेटली आप लोगों को रिव्यू करूँगी कि कैसा है क्या है। और पिजन वाला ही है वो जो ब्रांड है ना, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पिजन का ही सजेस्ट किया था, तो मैंने वही परचेस किया था, बट वो टूट चुका है। तो येस, एंड विक्की अभी उसको ठीक तो कर रहा है, बट मुझे पता है वो ठीक नहीं होने वाला है। एंड आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और इवन मेरा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने फ्राइडे से स्टार्ट किया था अपना कुशन कवर पेंट करना, बट ये अभी भी पूरा आधा ही है, मतलब आप देखो थोड़ा थोड़ा सा ही हुआ है, पूरा हुआ भी नहीं है। तो पता नहीं, आई डोंट नो, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए सब चीज़ें अधूरी रह गई, ब्लॉग भी हाफ ही रह गया, मतलब कंप्लीटेड नहीं है, काइंड ऑफ ऐसी इधर उधर से रैंडम पॉइंटलेस टाइप का ब्लॉग था ये। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया है थोड़ा बहुत भी तो जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं फ्रेश मूड से स्टार्ट करूँगी शुरू से एंड तक का, क्योंकि इसमें बीच में वो सब सुशांत सिंह का भी चीज़ें हुआ और भी पता नहीं क्या मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी चीज़ें, आई डोंट नो वो सब हुआ। एंड इस व्लॉग में बीच में भी वो सब न्यूज़ वगैरह मिल गई थी एंड ऑल, तो वो कम्प्लीट ही नहीं हो पाया। सो येस, एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।